आखिर क्यों करण कुंद्रा ने कहा कि उनका कुछ चीजों से विश्वास उठ गया है। अब इस बात को लेकर जो है तेजस्वी ने एक बड़ा राज खोला है और तेजस्वी ने इस बात को क्लियरिफाई किया है। आखिर क्या कुछ कहा है तेजस्वी प्रकाश ने, चलिए मैं आपको बता देती हूँ इस वीडियो में। हेलो एंड हाय एवरीवन, दिस इज केशवी एंड वेलकम टू आवर चैनल। जी हाँ, तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा हाल फिलहाल काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं। वहीं मैं आपको ये चीज बता दूं कि जैसे ही करण कुंद्रा घर से बाहर आए थे और टॉप थ्री में अपनी जगह बनाई थी, उसके बाद में वो कहीं ना कहीं इससे बहुत ज्यादा नाखुश थे और उनके ट्वीट्स ने काफी ज्यादा हैरान कर दिया था, जहां पर वो बताते हैं कि वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं, काफी ज्यादा उनका कुछ चीजों से विश्वास उठ गया है। अब इसको लेकर तेजस्वी ने भी रिएक्ट किया। दरअसल एक और उन्होंने पोस्ट किया था जो भी काफी ज्यादा हैरान करने वाला था, जहां पर वो लिखते हैं कि मुसीबत तब से शुरू हुई, यानी कि प्रॉब्लम्स तब से शुरू हुई जब से मैंने खुद से ज्यादा किसी और को प्यार करना शुरू कर दिया। वेल, यहां पर जो है इसके बाद में काफी ज्यादा कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट हुआ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहां पर तेजस्वी प्रकाश बताती हैं कि कैसे वो जो है उनके पास में करण कुंद्रा का नंबर भी नहीं था, ना ही एड्रेस था, लेकिन उन्होंने प्रोडक्शन को जो है कहा कि उसे छोड़कर आए करण के घर पर। जब उन्होंने ये सारी चीजें देखी तभी तेजस्वी पहुंची करण के घर पर और उनसे बातचीत की। तो यहाँ पर तेजस्वी प्रकाश बताती हैं कि वो कैसे करण कुंद्रा के पास में गई और करण कुंद्रा से बातचीत की उन्होंने। तभी करण कुंद्रा ने कहा कि वो चाहते थे कि वो दोनों एक साथ स्टेज शेयर करें, टॉप टू वो दोनों बने और डेफिनेटली उसमें से जीतना तो मुझे ही था। यहाँ पर तेजस्वी कहती हैं, लेकिन करण का सपना था कि वो जो है एक हाथ सलमान खान का उसके हाथ में हो और दूसरा हाथ मेरे हाथ में हो और दोनों में से किसी एक का हाथ उठे। तो यहाँ पर करण कुंद्रा ने ये कहा है कि उसका इन सब चीजों से विश्वास उठ गया है, खुद से विश्वास उठ गया है, कहीं ना कहीं वो जो चीजें चाहता था वो करना वो नहीं कर पाया है। तो कहीं ना कहीं उनका थॉट प्रोसेस जो था वो काफी ज्यादा अलग था इस बात को लेकर, जो कि बाहर कुछ और सामने आ रहा था लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वेल, आपके क्या रिएक्शन रहे इसको लेकर कॉमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। बॉलीवुड प्लस टेलीविजन से रिलेटेड तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी हमारे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।